की क्लोजिंग और सिचुएशन कैसी दिख रही है। तो आज दिन भर देखिए, हम ये 700 से आंख मिचोली खेल रहे थे। 19756 डे हाई था, वहाँ पर ज़्यादा देर तक टिके नहीं, 19700 के नीचे ही क्लोज बन रहा है। 33 अंकों की गिरावट। इधर निफ्टी बैंक के लिए एक और ठंडा सत्र, हालांकि यहाँ पर इंट्राडे में अच्छा मूव आया था लेकिन ऊपरी लेवल्स पर ये भी नहीं टिक पाया, 10 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स थोड़े से कंट्रोल में आने की कोशिश में, 47 पॉइंट्स का इजाफा है इधर। अब देखिए, आज अगर एक पॉकेट जिसने कुछ मजबूती दिखाई है वो आईटी कंपनियां हैं। आईटी का सहारा था आज। निफ्टी आईटी करीब करीब 193 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है, तो ये एक पॉकेट जहाँ पर तेज़ी, और साथ ही फार्मा इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि चुनिंदा फार्मा काउंटर्स में तेज़ी की पोजीशंस आई हैं। हालांकि पूरा इंडेक्स नहीं चला लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर देखने को मिला था। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो चले हैं आज वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में HCL, टेक महिंद्रा, TCS, LTI, माइंडट्री, विप्रो जैसे काउंटर्स थे जहाँ पर तेज़ी की पोजीशंस, नियरली 1-1% तक के गेंस वहाँ पर देखने को मिले, 0.5% की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ जो कुछ स्टॉक्स मुनाफा वसूली की ग्रिप में अभी भी है, बजाज फाइनेंस इसमें शामिल था, यहाँ पर अच्छा खासा दबाव बना हुआ है। एक और सत्र जहाँ पर 2.25% के नुकसान पर बजाज फाइनेंस जाकर टिका है। आज एक कूल ऑफ देखने को मिला है हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आयशर जैसे काउंटर्स में, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में, जहाँ पर ऊपरी लेवल से कुछ कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी है। क्लोज हम देख रहे हैं बहुत माइल्ड गेंस के साथ, टाटा मोटर्स 1% नीचे आता हुआ। टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा ट्रिगर आएगा जब टाटा टेक का IPO खुलेगा, जहां पर OFS के तौर पर कंपनी 3000 करोड़ तक का माल बेच रही है, तो वहां पर बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होने के आसार बन रहे हैं। लेकिन इसी चक्कर में टाटा इन्वेस्ट भी चला, करीब 14% तक के गेंस इधर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी देखने को मिली है आज। एक बार नज़र डाल लीजिएगा होनासा पर, वहाँ पर क्या हुआ है, करीब 5% के गेंस पर ये काउंटर जाकर टिकता हुआ आज दिखाई दिया है। भारतीय एयरटेल एक स्टॉक था जिस पर हमने चर्चा भी की और जिस पर बाय कॉल भी आया, क्लोजिंग पर ये करीब 1.5% ऊपर है। चलिए, हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ थी। आज दरअसल हल्के नेगेटिव साइड पर ही हम जाकर टिक रहे हैं। मार्केट ब्रेथ बाजार क्लोज होते होते ज़्यादा नेगेटिव हो गई क्योंकि मिड कैप्स में भी दबाव था। बजाज फाइनेंस एक ड्रैगर है, अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से दबाव बना, SBI Life, M&M, अल्ट्राटेक, ये बाकी स्टॉक्स है जहाँ पर बिकवाली रही है। मेटल्स में सेल साइड की पोजीशंस, JSW Steel, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स दबाव में रहे। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, एक और सत्र इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में, क्या चला, DVs, भारती, विप्रो, HCL Tech, कोल इंडिया, ONGC में कुछ कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। और बैंकों के नाम पर भी कोटक बस हल्का सा ऊपर, इंडसइंड बैंक में भी 1500 के आसपास के लेवल्स, लेकिन आप ध्यान दीजिए ना ICICI ऊपर, ना एक्सिस ऊपर, ना HDFC ऊपर, तो यहाँ पर प्रेशर अभी भी कायम है। सीधा सौदा में क्या अपडेट निकल कर आया है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर